हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर हाजिर हूँ मैं एक और रेसिपी लेके। इसे कहते हैं टाइपाओ या टाइपो, जो दार्जिलिंग सिक्किम में ज़्यादातर खाए जाने वाले ये रेसिपी है, जो कि खाने में भी टेस्टी, सॉफ्ट, जूसी रहता है। तो चलिए आज हम ये रेसिपी बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1 कप हल्का सा गर्म पानी, 1/2 चम्मच चीनी। चीनी को हम थोड़ा डिसॉल्व कर लेते हैं। फिर मैंने लिया है एक्टिव ड्राई ईस्ट 1 बड़ा चम्मच। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक एक्टिव होने के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद हमारा ईस्ट रेडी हो चुका है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ईस्ट एक्टिव होने के बाद कैसा दिखता है। तो ये हमारा ईस्ट एक्टिव हो चुका है। अब इसमें हम 2 कप मैदा ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच नमक लेना है और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे गूंथ लें। इसका डो थोड़ा सा स्टिकी सा बनता है, इसीलिए हम इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़कते हुए हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हम इसे 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। ऊपर से ढक्कन लगा लीजिए और फूलने के लिए छोड़ देते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 बोल चिकन कीमा लिया है, 1 बोल जितना बारीक कटा हुआ प्याज, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, 1/2 चम्मच अदरक गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक अपने स्वाद के हिसाब से ही ले, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम मैंने यहाँ पे अजिनोमोटो लिया है, आप स्किप भी कर सकते हैं, 1 चम्मच सोया सॉस। सारे चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर ले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टाइपो का स्टफिंग रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2 बॉइल्ड एग्स लिए हैं, जो हमें बाद में चाहिए होगा। जो स्टीमर है उसमें थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर ले। जो हमारा डो है वो फूल के रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके मैदा छिड़कते हुए इसे स्मूथ होने तक हम गूंथ लेंगे। हमारा डो स्मूथ हो चुका है। अब इस डो से हम 6 बॉल्स बना लेंगे। हम मीडियम साइज के बॉल बना रहे हैं, बॉल्स को बिल्कुल भी छोटा ना बनाएं, थोड़ा सा मीडियम रहने दें या थोड़ा सा बड़ा बनाएं। इसे नॉर्मल रोटी जैसा बनाना नहीं है, हमें साइड साइड का थोड़ा पतला और बीच का थोड़ा मोटा चाहिए होगा, इसीलिए हम इसे ऐसे करके बेलेंगे। बड़ा रोटी ना बनाएं, बिल्कुल मीडियम साइज का होना चाहिए, जितना आपका हथेली है बस उतना ही। अब हम स्टफिंग करेंगे। हमने पहले ही जो बॉईल करके रखा हुआ अंडा था, अब हम इसको आधा आधा करके काट लेंगे और इसमें भर लेंगे। फिर हम इसे अच्छे से मोड़ के इसको मोमो के जैसा शेप दे देंगे। बाकी का जो बचा हुआ है ऐसे ही करके बना लें। सारे बन जाने के बाद हम इसे 15 से 30 मिनट के लिए साइड में फूलने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद ये फूल के थोड़ा सा शेप में आ गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, बन गया हमारा गर्मा गर्म सॉफ्ट सॉफ्ट टाइपाओ। सूप और चटनी के साथ आप इंजॉय कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।